हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी हेल्थ कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैंड सैनिटाइजर के बारे में। दोस्तों, क्या हैंड सैनिटाइजर हर टाइप के कीटाणु को मारता है? क्या हैंड सैनिटाइजर हैंड वॉश और सॉप वाटर से बेटर है? क्या है हैंड सैनिटाइजर का एडवांटेज और क्या है लिमिटेशन? वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सब के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, आपको अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ इस टाइप का ग्रेट कंटेंट मेरे चैनल में अपलोड करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर के एडवांटेज के बारे में। 70% एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर सबसे बेस्ट है कीटाणु को मारने के लिए। इसके अलावा आपको हर टाइम अपने हाथ को धोने के बजाय हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों, ये थी इसकी एडवांटेजेस। चलिए बात करते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर हर टाइप के कीटाणु को नहीं मार सकता। कुछ गिने चुने कीटाणु ही है जो हैंड सैनिटाइजर मार सकता है। इसके अलावा रेगुलर हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने से हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हाथ की स्किन भी फट सकती है, जिससे आपके हाथ से खून भी निकल सकता है। अब बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर क्या हैंड वॉश या सोप वाटर से ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा हैंड वॉश और सोप वाटर क्या करते हैं। तो दोस्तों, हैंड वॉश और सोप वाटर कीटाणु को वॉश करता है, जिसका मतलब है सोप वाटर हाथों से कीटाणु को दूर करता है। अब बात आती है हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश के बीच में डिफरेंस क्या है। हैंड सैनिटाइजर में एल्कोहल होता है, इसलिए ये कीटाणु को मारता है, बट हैंड वॉश में कोई एल्कोहल नहीं होता, इसलिए कीटाणु को मारता तो नहीं है, बट ये कीटाणु को हाथों से दूर करता है। अब बात आती है इजी टू यूज़ कौन सा है। तो दोस्तों, क्लियरली हमको दिख रहा है कि हैंड सैनिटाइजर हैंड वॉश से ज़्यादा इजी टू यूज़ है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर में आपको वाटर यूज़ करना नहीं होता। बट जब बात आती है हाइजीन की, तो दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि हैंड वॉश हैंड सैनिटाइजर से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्तों आपका हाथ अगर गंदा हो, आपके हाथों में अगर मिट्टी या दूसरी कोई चीज़ लगी हो, तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर सकते। आपको हैंड वॉश ही यूज़ करना होगा। इसके अलावा आप अपने हाथों में जितने बार भी हैंड वॉश यूज़ करें, आपके हाथों को कुछ नहीं होगा, बट हैंड सैनिटाइजर ज़्यादा यूज़ करने से आपके हाथों की स्किन फटने लगती है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश का काम क्या है। दोस्तों, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ज़्यादा बेटर कौन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी हैंड वॉश, क्योंकि मैं भी यही यूज़ करती हूँ। बट दोस्तों, हर टाइम तो हैंड वॉश यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ टाइम के लिए आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप इस कोरोना वायरस के महामारी के टाइम हैंड वॉश यूज़ करते हैं या सैनिटाइजर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।